पत्नी का महत्व। पति पत्नी की ये कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी की ये कहानी जरूर सुने। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तब भी इस कहानी को एक बार जरूर सुने, क्योंकि पति को पत्नी का महत्व समझाने वाली ऐसी बेहतरीन कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक अलग महत्व होता है, हर रिश्ते के लिए एक अलग स्थान होता है और हर रिश्ते का एक सफ़र होता है। यह कभी ना कभी कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसका यह सफ़र आखिरी सांस तक चलता है। बस अभी एक महीने पहले की ही तो बात है, घर के पिछले भाग में माटी डालने और प्लांट लगाने का काम राहुल और सीता इन पति पत्नी के जोड़ों को दिया था। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ राहुल आया, शायद सीता बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने राहुल को बहुत आग्रह किया, कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वह माना ही नहीं। वह बोला सीता नाराज हो जाएगी। मैं बोला अरे राहुल, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। वह बोला मैं नहीं डरता साहब, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसना आ गया। मैंने उससे कहा अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग है ना रूप है, फिर इतने उसके पीछे पीछे क्यों भागते हो। वह बोला कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वह मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है, क्या तुझे अपने पति पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते। उसने शांति से जवाब दिया देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए, भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है और बाकी सारे संबंध मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है, लेकिन साहब पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं है, फिर भी वह अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख दुख में हर काम में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाड लड़ाती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है, जब हमारे बारे में चिंतित होती है और जब वह हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है और जिद करती है, तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेवारी अपने सिर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वह सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, प्रेमिका, हमारी जान, हमारा सांस बनती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ। और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर आती है और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभा जाती है। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे तो ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे। देखिए साहब, बीबी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई, मैं जाता हूँ।
कहकर राहुल वहां से जाने लगा और मैं उसको पीछे से जाते हुए देखता रहा। आज इस मजदूरी करने वाले आम इंसान में मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नजर आ रहा था। उसकी वो बात की पत्नी कैसी भी हो, उसको मान सम्मान देना चाहिए, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।